आप देखना पापा, एक दिन शगुना उन दोनों को अपने साथ ले जाएगी, तुझे देखना। एक गिलास पानी दे तेरी माँ को। जो हुआ पूरा हुआ, माता रानी ने हमारी किस्मत में यही सब लिखा हुआ था। नहीं पापा, गलती हमारी है ना। हम रमन भाई को आदि को लाने की बात करते और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। आप मुझे बताओ पापा जी, अगर हम कस्टडी एक्सचेंज वाले दिन ये बात कह देते कि हमें आदि नहीं चाहिए रहने दें, तो ये मामला वहीं सुलट जाता ना, इतना बढ़ता ही नहीं। और फिर आदि को तो शगुन की आदत है, वो हमेशा उसके साथ रहता है, उसकी अच्छाइयां बुराइयां हर आदत समझता है। लेकिन कि रूही पापा, रूही आज तक हमसे दूर नहीं रही है। वो नन्ही सी जान, वो कैसे शगुन को हैंडल करेगी? आप देखना पापा। सॉरी, वो आदि वाली रहेंगी। हाँ, वो कैसे हैंडल करेगी शगुन को? और आदि भी तो बच्चा है ना, वो अपनी माँ को मिस करेगा। तो आप देखना पापा, एक दिन शगुना उन दोनों को अपने साथ ले जाएगी, तुझे देखना। ऐसा ना बोल, ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। और क्या बोलूं पापा, आप सब लोगों के चेहरे देखो, सब लोग ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाटक बना रहा है। वो इशिता जिसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज वो जाकर झगड़ा कर कर आई है, कैसे चुप रहो? शगुन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका ना कोई करियर और ना कोई फ्यूचर है। लेकिन चलिए एक आंसू ले लेती हूँ, फ्यूचर है। लेकिन रमन भाई और निशिता वो काम करते हैं। पापा आप बताओ, अगर भगवान ना करे किसी ने उनके खिलाफ कोई FIR कर दी तो क्या? तो हम सबकी जान आफत में पड़ जाएगी। मुझे ना सबसे ज्यादा डर मम्मा का। पापा वो इस उम्र में ये सब नहीं झेल सकती, उनका शरीर जवाब दे देगा पापा। अबे एक आदि के लिए हम सबकी जान तो आपस में नहीं डाल सकते। तो ऐसे तो अपना दिल छोटा रहता है, ऐसे सब ठीक हो जाएगा। जाके अपनी माँ को दवाई देके आदि पीछे देख रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा मेरी तरफ, कोई नहीं मिल रहा है। निकल जा अभी, रुक रुक, देख एक बार और। आप आओगे मेरे साथ? मैं खुश जा रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा करो। Thank you.
एकदम आकर्षक चटनी है।